आप जो है पूरी पाएंगे, लेकिन उसका स्पष्टीकरण दिया गया कि हम समान अंतरण में हम किसी व्यापार में दुकान में बैठे हुए और वो ही पैसे के हमारे पास आते हैं, ये माना जाएगा कि वो उस व्यापार के सीक्रेट सिक्के आए हैं और वो एक चोरी का बचाव हो गया, चोरी नहीं लेकिन हमने उस हमारे पास वो पैसे पाए पहले समय उसका वो डिफेंस एविडेंस आपको दिया गया है कि वो अगर चीज पाई जाती है व्यापार के स्तर में समान अंतर में हमारे पास पाई जाती है तो माना जाएगा कि व्यापार के उसमें पाई गई उसको चोरी नहीं माना और उसको पूरा कोरिलेटेड करके पाना पड़ेगा जहाँ पे दंड दिए गए एविडेंस एक्ट में कैसे उसको प्रमाणित करेंगे चोर को है ना, कौन कौन गवाह माने जाएंगे, कौन से गवाह प्राथमिक साक्ष्य है, कौन से द्वितीयक साक्ष्य है, ये उसको पूरे एक साथ पढ़ते आप करेंगे उसका प्रस्तुत हो गया है। कुछ लोग चीज छोड़ देते हैं, छोड़ने से क्या होता है कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसी चीज को पूछा जाता है। जो ये जैसे प्रयास किया अपराध का प्रयास 511 में किया गया 1/4 सजा है ना, 1/4 सजा है तो किसी भी एक दिन की सजा है 510 में शराब पीते हैं ना उसमें एक दिन की सजा है उसके अब उसके और वो फाइन जमा नहीं करता और उसको कितनी सजा हो उसमें 6 घंटे सजा होनी चाहिए और एक दिन दो दिन उसकी 1/4 होने चाहिए इस टाइम में उसकी जो वो आप खुद अपने रीजनिंग से आने चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति आप कमरे में हो आता चोर बाहर दरवाजा लगा देते हैं तो आराम से चोरी करते हैं ठीक तो चला जाता आपको उसने सदोष प्रगरोध कर नवरोध कर दिया प्रगरोध अब आप बाहर नहीं निकल सकते ये लूट की श्रेणी में आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते तो उसने उसका उपयोग उसको आप जब पढ़ोगे ना चोरी में किया सदोष नवरोध प्रगरोध करके लूट में किया स्पष्टीकरण में किया एक एक चीज पढ़नी है स्पष्टीकरण पढ़ना है पर भाषा पढ़नी है उसके पूरे उदाहरण पढ़ना घोड़ा बना हुआ है उसको चाबुक मारता है चोरी के लिए उसको आगे बढ़ा देता है ये भी चोरी हो गई स्थान को अब ये स्थान से अलग हटाना चोरी हो गई पेड़ को ऐसे ही काटते हैं चोरी पर भाषा बढ़ाते हैं भला भी नहीं ले चोरी पर भाषा